गांव का नाम गांव का नाम है इसका दमसिंगा। दमसिंगा और इसका कौन सा जिला में आता है? जिला मथुरा, तहसील छाता, ब्लॉक छाता। अब सब तो पहली बात तो किसानों को जो 2000 रुपए मिल रहे हैं ना, 2000 रुपए महीने, ये 6000 रुपए जो साल में मिलेंगे वही है फार्मर के लिए ना। बिजली का सुख हमको मिल गया है जैसे मोदी जी आए, बिजली का जो हम एक लट्ठा तार के लिए तरस रहे ना, वो आज शहरों लट्ठा लग गए गांव में, एक घर जहाँ भी है वहाँ भी बल्ब जल रहा है। फसल बीमा हमको कभी नहीं मिलता था, अब हमारे खाते में 2-2.5 लाख रुपए फसल के बीमा के आ जाते हैं, पहले 1 रुपया नहीं आता था। 6000 को छोड़ो, 6000 से ज्यादा तो हमारे खाते में 2-2.5 लाख रुपए बीमा आ जाता है। हमने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं, जो लोन ले रखा है उसमें 2-2.5 लाख रुपए बीमा मिल रहा है। काम है ओलावृष्टि में उसका मुआवजा मिलता है, सड़क बढ़िया बन रही है, बिजली बढ़िया चकाचक आ रही है। हमारा वोट ज्यादा बेधड़क बने से मोदी जी के लिए भाजपा जनता पार्टी के लिए। अच्छा, हमारी सारी बस्ती यूपी में किसको जाएगा है जी? यूपी में योगी को जाएगा। अच्छा, अखिलेश को नहीं जाएगा? अखिलेश को नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मायावती को नहीं जाएगा। योगी जी तो एक बार दोबारा बनने ही बनने, दोहराने वाली बात ही नहीं है, केवल धर्म की नीति। हम किसान है, शांति वाले हम लोग किसान है। अब मोदी जी बोलते हैं कि किसान अपने माल को, अपने गल्ला को कहीं भी जहाँ उसको फायदा हो वहाँ बेच दो, लेकिन ये बात झूठी साबित हुई है उसकी। आप टिकायत को नहीं सुनेंगे? आप टिकायत नहीं, वो तो किसान का नेता है, कोई नेता नहीं, डकैत है उसका नाम, डकैत नहीं है, पार्टियों से मिला हुआ है, सपा पार्टी, बसपा पार्टी, अन्य पार्टियों, वो हरियाणा में पड़ती है। अच्छा, होडल में हमारे फसल की कीमत अच्छी मिलती है बजाय कोसी कला के। अच्छा, लेकिन वहाँ ये बॉर्डर बारी नहीं जाने देते हैं, बॉर्डर बारी नहीं जाने देते हैं, और गवाही प्रधानमंत्री मोदी जी की जो किसान नीति आई इसमें बॉर्डर खोले जा रहे हैं, लेकिन ये विरोध कर रहे हैं बॉर्डरों को मत खोलो, ऑल इंडिया में कहीं माल बेच सके, अब नहीं जाने देते माल। योगी जी एक बार और ये नियम लागू हो जाए तो माल जाने लगेगा। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम रामजी लाल पंडित है। आप भी यही गांव के? हाँ, हम भी इसी गांव के हैं। आपका शुभ नाम जी? भगवत प्रसाद शर्मा। भगवत, ये गांव का नाम क्या? अजीजपुर। मेरा नाम लाल सिंह है जी। हाँ जी, हम खुश नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खुश? हम किसान आदमी ही ढूंढ रहा था, हम किसान आदमी हैं, और हमारी फसल को उचित रेट ना मिल रहा। अच्छा, हाँ लुटेरे लूट रहे हैं। आज गेहूं की हालत ये है 16 से 17 से बिक रहा है, और डीजल के रेट देखो क्या रेट हैं। ये किसान है सब, बस यह चीजें कह रहे हैं बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया किसान के लिए बताने पर हो, रेट ना मिल लो। 1100 रुपये क्विंटल धान बिको पिछले साल, और बीज खरीद के देखो 100 रुपये किलो मिले, और गेहूं के बीज खरीद के देख लो 2-2.5 हजार रुपया को एक मन आ रो है, और बिक रहे हो 16-17 से। इनका मन नहीं है कि MSP रेट है जो हम किसान ही कर रहे हैं, खरीद नहीं हो रही है, जो उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल, हाँ मंडी आपको सुविधा भी कम है? कोई सुविधा ना है। सुविधा है या नहीं मंडी ना? कोई सुविधा ना, यहाँ से हरियाणा ले जाना पड़े, वहाँ उचित मूल्य नहीं मिल रहा। अच्छा, यहाँ से भागना पड़े हरियाणा, किसी और के खाते में तोड़वाने पड़े, पैसा आवे आ जा, ना आ रहो तो ना आ रहो। यही ये क्यों बोलते हैं फिर मोदी को, योगी को वोट देंगे? ये सोच ये तो कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में नौकरी, हम कर रहे हैं जिम्मेदारी। अच्छा, हाँ इसलिए हम खेती कर रहे हैं, हम परेशान हैं। आप टिकट के साथ हैं या? टिकट के साथ हैं। साथ हैं, अच्छी बात है। सौ भ्रष्टाचारों का एक भ्रष्टाचार मिस्टर टिकट। मेरा देश मान, जहाँ 100 में से 99 में बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान, वो ये है टिकैत आदमी। अच्छा, टिकैत का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो गुमराह किसानों का दलाल है। लेकिन किसानों की जो बात वो कह रहे हैं वो अपनी जगह पर सही कह रहे हैं। उनकी बात तहसीलों में अभी योगी जी पर भ्रष्टाचार नहीं रुका है, तहसील स्तर के लोग बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी वो रुका नहीं है।
हम भ्रष्टाचार पर लगाम तो लगे, लेकिन बात हम मानते हैं कि रूप से नहीं योगी जी कोई नहीं लगी है, पर दोबारा से फिर उसी चरम पे किसान आदमी किसान में से एक ना देखो तो कहा 25 तो देंगे किसान आदमी 50 किसान में से आप किसान नहीं क्या? मैं भी किसान छोटा किसान हूँ। अच्छा, ये बड़े किसान। अच्छा, इसलिए बड़ा किसान नहीं देगा वो भ्रष्टाचार को। मैं छोटा किसान में दूंगा, मुझे बहुत फायदा हुआ। आप सच्चे किसान है क्या? आप टिकट के साथ सारे खड़े हुए टिकट तो विदेशों से आतंकवादियों का साथ मिल रहा है टिकट को, वो टिकट के तो हम बिल्कुल साथ नहीं है। अच्छा, हाँ हम भी किसान है। मोदी को नहीं देंगे, योगी ना देंगे ना मोदी देंगे, बहन जी को देंगे ना, किसको देंगे? अखिलेश को, अखिलेश देंगे। हैं क्यों सरकार सही कहा है और किसान की नहीं है कचकरी ना रही, हम भी किसान है छोटे से। अच्छा, जैसे भी कह रहे हैं छोटे किसान छोटे से हम भी हैं, हमारी खर्च करो ना 2,000 रुपया में 6 महीने बाद ही 2,000 रुपया में पानी ना लग रहा। पचहत्तर साल हो गए मुझे, ये बता दो MSP पे किस तरीके सरकार ने खरीदा? योगी सर मोदी सरकार में 1,00,000 रुपए हमारे भी माफ हुए थे, हमारे ना हुए जी। अच्छा, लिया ना ना हुए। आप तो अच्छे लगते हैं, आपको तो माफ होना चाहिए था। हाँ, ये बहुत गलत बात है, ये हमारे मोदी जी हैं या योगी जी हैं जो किसान का कर्जा माफ करते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। किसी का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए, जो जब लिया है तो देना पड़ेगा। वोट इनके माफ नहीं हुआ, आपके पास कहीं भी हो तो भाई यार योगी सरकार को ध्यान दीजिए। ये हमारे देश हिंदुस्तान में गुलाम रहना सीखा है, गुलाम रहना चाहते हैं। 850 साल पहले मुसलमान की गुलामी होगी, फिर अंग्रेजों की, आज भी ये गुलामी रहना चाहते जैसे आज तक कांग्रेस ने हमें बांध के रखा। सब गुलाम है और गुलाम की वोट देंगे, गुलाम रहना चाहते हैं और गुलामी नहीं देंगे। ज्यादा अगर लोगों में कमियां है लेकिन देंगे योगी जी कोई CM द्वारा योगी जो जो नाराज हैं वो भी देंगे, लेकिन वो भी सब वोट योगी की देंगे ज्यादा। गवर्नमेंट की कौन से कोरोना काल में कांग्रेस सरकार या अखिलेश सरकार यहाँ होती थी, यूपी में लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिलती। अच्छा, प्रियंका गांधी CM नहीं बन सकती, CM कभी नहीं बन सकती। कांग्रेस के शासन में 45,000 किलोमीटर जगह गिरवा दी सियाचिन और उनके क्षेत्र में, कांग्रेस ने गिरवाई, तेल का कर्जा छोड़ गए, सोना बेच दिया कांग्रेस ने, देश को बेच दिया था। जो कांग्रेस के वहां से लोन उठा के तेल का पैसा लाके आए, आज मोदी जी को भरना पड़ा है इन लोगों की देन से। ये कह रहे हैं 24 चैनल बंद है, ये आपके सामने 24 चैनल चल रहा है, ये चल रहा है 24 चैनल क्या चल रहा है की संपत्ति 1600 गुनी है गई। कभी कभी जीवन में बल्ला पकड़ के देखो अमित शाह के लड़का ने सेक्रेटरी बना रखा है और BCCI का पकड़ के देखा है किसी दिन। योगी का तो परिवार ही नहीं है, योगी का नहीं, अमित शाह का परिवार है। अच्छा, वो आ रहे हैं यूपी BCCI का सेक्रेटरी है उसका लड़का। अच्छा, यूपी इलेक्शन में इसलिए वोट नहीं देंगे आप? नहीं, परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, परिवारवाद खत्म करने की बात करते हैं ना ये लोग, अपने परिवार को देखो ना। सही है, वो जी न्यूज 24 ये चल संदीप चौधरी को चैनल बंद है, किसान की आवाज उठाई खाली उसने और कुछ नहीं, राजनीति से ऐसे ही किसान ऐसे ही किसानों को भ्रमित कर रखा है और कुछ नहीं। एक न्यूज चलाना काम, किसी भी तरह योगी मोदी को हटाना है और कुछ नहीं है। टिकट खरीदी हुई आदमी से, ये टिकट खरीदी हुई आदमी आएगी निश्चित आएगी। 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पंडितों का बहाना लेके वो पंडित है, इन पंडितों का बहाना लेके कांग्रेस ने हमारे हिंदुस्तान को पेच खा गए। ऐसा ही ये पंडित है, ये भी हिंदुस्तान को पिछवाने के चक्कर में लगा हुआ। गांव का नाम क्या है इसका? कथन कला।
मठैन कला अभी जो सरकार संतुष्ट है नहीं है, अभी जो योगी की सरकार याद है, हम संतुष्ट याद है ना, संतुष्ट नहीं है सरकार से। क्या क्या संतुष्ट नहीं है? जमींदार खाएगो ही तो, जमींदार खाएगो हर तरीका थे, जमींदार का राज्य नहीं बोल रहे पर मतलब ये किसान ये कह रहे हैं ना हमारी फसल पे क्या ढंग थे, ये फसल ही अब जमींदार पे है, और ये फसल भी जो कार्तिक मतलब ये जो धान और गेहूं है मतलब ये बिकेना का तो पता का कर्जा चला हो रहना है देश को। आप टिकट के साथ हैं, टिकट आपका वोट किसको जाएगा अगर ये योगी? क्यों आप किसान नहीं है? किसान है, किसान है, कमा खा रहे हैं अपने बल पे आई है, हमें सरकार का फायदा मतलब नहीं मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, हमें हाथ पांव मजबूत दे रखे हैं, कमा रहे हैं अपने आप पे, लेकिन अपने धर्म की ओर देख रहे हैं, हमारे धर्म के क्या हो रही है। अच्छा हाँ, आपको धर्म के बारे में कुछ चिंता नहीं है या वो? ये इन्हें तो मुल्ला आके पीटने लगो यार लेंगे चले जाएंगे कोई बात नहीं, और मुल्ला बन जाएंगे तो बामनी तो बने इतने में बने इतने, ये तो एक मिनट धर्म बल देंगे इनने देश का भट्टा बैठा दिया ब्राह्मण ने वर्तवारो एक बार वहां बैठ रहो दिल्ली पे नहीं मारा ये गलती इतने से तुम्हारा मतलब नहीं है, इनने तो दाम चाहिए और पेट में खाने चाहिए। अच्छा धर्म चले जाओ चाहे कुछ चले कोई मतलब नहीं है ये बोला, हम तुम तो बहुत धर्मेश्वरी हैं भाई दे दू। आपका वोट किसको जाएगा? छोटी वोट से योगी देंगे। ऐसा क्यों? भगवान ने बिजली की मौज कर रखी है, सड़क की मौज कर रखी है, पानी की मौज कर रखी है। बिजली का क्या रखिए? बिजली आई है पूरा दिन आ रहा है। पूरा दिन आ रहा है तो प्रॉब्लम है ना, पूरे दिन पूरा दिन रखा तो आपको बड़ा बिल भी आएगा ना। हाँ बिल भी आवे, बिल भी बिना भरपा में जब काम रह जाए जब जब पूरी बिजली मिल जाए तो बिना भरपा में। अच्छा ये बोलिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट जो है अभी पूरा दिन आ रहे हैं सब बोल रहे हैं ओके, इससे आपको क्या फायदा मिला? बैर मिल जाए। आप भी किसान हैं, आपका मोटर चलती है इधर पानी के लिए, कैसा पानी चलता है मोटर? तो इसलिए अच्छा है आपका पूरा दिन रहा तो रहे। फसल बीमा योजना उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? उसमें अच्छाई है बुराई है क्या है वो बोलेंगे? बढ़िया है, उसके बारे में बोलिए आपसे, आप कभी फायदा मिला उसे? तीन बार फायदा हो गया उसे। अच्छा क्या कैसा है ये आपका सुरक्षा मिल जाती है? पैसा आए तीन बार। अच्छा एक बार 65,000 आए, एक बार 45,000। अच्छा एक बार 35,000। अच्छा तो माफी मिल जाएगा कोई दे ना माफी दे 1,00,000 कुछ 2,00,000 वही योग करे 1,00,000 माफ। अच्छा ये बोले ये आपका खाता है आपका नाम पे खाता है बैंक में पहले था या अभी मोदी आने के बाद आया है? पहले से ही। अच्छा उसमें सीधा आ जाता है आपका है? मेरा नाम टेकराम है जी। अच्छा टेकराम प्रधान बठेन कला। देखिए जी गवर्नमेंट से योगी जी से तो सब संतुष्ट हैं। योगी से? हाँ जी। हाँ जी और कोई दिक्कत नहीं है, लाइट भी बढ़िया आ रही है, और जो क्रिमिनल टाइप के आदमी थे वो क्रिमिनल बिल्कुल बंद है। अच्छा हाँ हमारे यहाँ कोई भी अब कोई घटना नहीं घटती है, नहीं चोरी होती है नहीं लूट होती है, तो इससे बहुत बड़ा फायदा मिला है सब लोगों को, गरीबों को मिला है अमीरों को मिला है, गुंडागिर्दी नाम की चीज़ खत्म बिल्कुल। अच्छा तो लाइट से क्या फ़ायदा मिला? लाइट से तो जो किसान लोग हैं जिनकी ट्यूबवेल है उनकी सिंचाई भी होती है, सिंचाई होती है तो किसानों को फायदा होता है, भाई जो खेती लोग करते हैं उनको फायदा होता है सिंचाई को, ट्यूबवेल चलते हैं लाइट से। अच्छा पहले ये बोला गया था कि किसान जो हैं अपने माल बेचने के लिए जाते हैं रात में तो देर में आने पे उनको डर लगता था कि कोई डाकू नहीं हमारे पहले जब से बीजेपी की गवर्नमेंट जब से योगी जी नहीं योगी के पहले हाँ पहले था ऐसा हुआ पहले था पेट लुट जाते थे पैसा लुट जाते पहले था ये। अच्छा ट्रैक्टर भी लुटते थे
कैश भी लूट जाता था, लेकिन जब से योगी जी बने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जब से गुंडागिरी और लूट खत्म। सही, ये सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हैं? फिर भी अखिलेश को वोट देना है आपको, गुंडागर्दी पसंद है? गुंडागर्दी पसंद का है आपको ना। किसको वोट देंगे आप, किसको वोट देंगे? इनने तो 500 रुपये दे दिए, तुम्हारे वोट दे देंगे, पार्टी तो नहीं हो। मैं आपको बताऊँ, 500 रुपये दे दो आप वोट दे दो। तुम पानी मिला है, यूँ ये ऐसी बात कर रहे हो। जगह मेरे पास सुनो, आप जहाँ मैं बेचता हूँ वहाँ पूछो जाके, अगर कोई आ जाए मेरे पानी बेचता है। आपका वोट किसको जाएगा? योगी को जाएगा। क्यों? क्यों, इसने काम ही अच्छे किए हैं। क्या ये दो अच्छा काम बोलिए, क्या किसके वजह से योगी को वोट देंगे? देखो, योगी ने तो पहली बार तो सभी को तो बदमाश ठिकाने लगा दी, जितने भी कोई बदमाशी नहीं एरिया में किसी अच्छा। तरह की बिजली की सुविधा बिल्कुल बढ़िया है। ये तो बेरोजगार, ये बदमाश ने तो वैसे लूटा ही मारा कुटी हो रास्ते में, अच्छा सब ठिकाने लगा दिए उसने। वो ऐसा कोई नहीं कुछ भी, अच्छा और व्यवस्था सही है, ऐसी भी है इसलिए करते हैं। अच्छा, और आप सीएम बनेंगे तो योगी बनेंगे आगे हमारी तरफ से। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? आप क्या करते हैं? कृषि करते हैं, खेती। हाँ, अच्छा, तो खेती तो किसान तो सब बीजेपी के खिलाफ हैं बोला जाता है। खिलाफ इसलिए हैं, किसान की जो फसल तैयार होती है ना उसका रेट ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, जब यहाँ फसल का टाइम बिकने का होता है तो यहाँ से जो ये मंडी है, मंडी नहीं लगती है, मंडी का रेट जब यहाँ मंडी की लेवी लगती है, जब यहाँ का किसान अपनी सारी फसल को हराने में बेचता है, वो लेट लगती है। अगर वो टाइम से अगर यहाँ लेवी लगने लगे तो यहाँ का किसान संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए किसान यहाँ का परेशान है। अच्छा, इधर मंडी नहीं है? हाँ, मंडी है, पर मंडी जब लगती है फसल के बाद में, जब फसल और जगह बिक जाता है। अगर यहाँ टाइम से लगे तो फसल बिकेगा इनका, तो ये सब खुश रहेंगे और कम रेट में बिकता है, सरकार रेट से कम रेट में लेते हैं वे इधर होटल में, पहले जब अदर स्टेट ले जाते हैं वहाँ पुलिस तंग करती है, ये सबसे बड़ी समस्या है किसान की। अच्छा, आप हरियाणा का बॉर्डर में भी हो? हाँ हाँ, वहाँ बॉर्डर पर पुलिस नहीं घुसने देती है। अच्छा, और यहाँ बिकता नहीं है, यहाँ जब बिकने का टाइम होता है उससे 2 महीने बाद लगती है लेवी। जब किसान पर फसल चली जाए जब वो लुट लेता है, फिर इससे परेशान है किसान, नहीं और कोई परेशान नहीं। अच्छा, आपका वोट किसको जाएगा? वोट तो योगी को ही देंगे सर। क्यों यार, इतना परेशान तो होते हैं फिर क्यों योगी जी को वोट देते हैं? और देख लें, ये कह रहे हैं सब अब की बार और देख लें, आगे अगर ऐसी समस्या रही तो फिर जाओ फिर बदल देंगे सरकार। अच्छा, मगर इस बार योगी को ही? हाँ, इस बार। और आप क्यों, कोई योगी का तो काम से ये कह रहे हैं कि अब की बार तो ये बीमारी महामारी बहुत आई थी तो इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए वैसे इनका वो ठीक है बाबा का काम। पहले लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाते थे तो कोई मतलब नहीं, कुछ कार्यवाही होती थी, अब सूदा सूट कर देते हैं, तो ये इनका काम बहुत अच्छा है योगी बाबा का। अच्छा, इसलिए आप समर्थक हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या अच्छा काम आपको पसंद है योगी जी का? सब काम अच्छे हैं इनके, विकास हुआ हमारे क्षेत्र में, रोड सब टूटे पड़े थे जब से योगी सरकार आई, जब से गड्ढा मुक्त करा दिया उत्तर प्रदेश में। सफाई का आप सही बोल रहे हैं आप। सही कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पहले घोटू गड्ढे थे। अच्छा, हाँ, एक ही रास्ते पे दो दो चार चार घंटे लग जाते थे जाने में। अच्छा, आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज जी, अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। ज़्यादा तेज बात खेती का रोजन खेती का कर रहे हैं, आवाज़ ज़्यादा करने का। तेज बोलो। खेती का रोजन खेती कर रहे हैं। ओके, आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी सरकार। क्यों? क्यों जी, अच्छा काम करती है जी। क्या अच्छा काम? अच्छा, रोड सही है, बिजली टाइम पे आ रही है। सारे किसान बीजेपी के पीछे पड़े हैं, आप क्यों योगी को वोट देते हैं? पानी से सही टाइम पे आ रही, सब चीज़ टाइम पे आ रही है, बीजेपी सही है। अच्छा, क्यों अखिलेश को क्यों नहीं देते हैं? अखिलेश काम नहीं करता। वो तो युवक है। अखिलेश माल छाप हुआ मथुरा क्षेत्र में काम नहीं करता जी। अच्छा, अपने एरिया में काम करता है। अच्छा, और बीजेपी सारा काम करती है। अच्छा, मायावती
मायावती भी नहीं काम करती यहाँ से। अच्छा, बिल्कुल आपका वोट उनको नहीं जाएगा? नहीं। अच्छा, योगी के शासन में हम अच्छी सड़क पर चल पाए, कभी जीवन में अच्छी सड़क पर नहीं चले। अच्छा, सड़क है, बिजली है, पानी है, थोड़ा सा इसमें सुधार करें। जो जो गेहूं बिकता है, धान बिकता है किसान का, इसको टाइम पे ये कर्मचारी मंडी लगा के मंडी की व्यवस्था करें, जैसे बिल्कुल टाइम पे पैसा दिया जाए और टाइम पे मतलब बिजली का भी सुधार करो। हाँ, एक किसान आदमी है, अपनी फसल में अपनी पूर्ति कैसे कर पाते हैं? बिजली का भले एक का एक एक दो दो हजार रुपये आता महीना में, दिल्ली में 300 यूनिट फ्री हैं और यहाँ कोई इनके लिए सुविधा नहीं है। अब ये ऐसा इनके कोई सरकारी बच्चे तो लग नहीं रहे, अब इस फसल में से इतना बिल ये कैसे सहन कर पाएंगे? बिजली में भी सुधार कराओ। बिल्कुल बिल्कुल, बिजली का बिल थोड़ा सा माफ हो जाए, थोड़ा कम कर दिया जाए तो सुधार। बिल्कुल।